so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello everyone, welcome back to another gameplay video. आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं कार डीलर जॉब सिमुलेटर। तो आप सभी ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने एक नया शोरूम परचेज़ किया था, जो ये शोरूम है, और कुछ कुछ कार्स हम लोगों ने ला के रखा था और सेल भी किया था, कुछ इनकम किया था, और उसी पैसे से शोरूम में फिर से कार कुछ कुछ नया नया कार्स ला के रखे हैं। इस वीडियो में हम लोग इस पूरा शोरूम को अनलॉक करेंगे, इसलिए कि ये अपग्रेड करेंगे, इसलिए कि अभी तक हाफ ही शोरूम अपग्रेड हुआ है और पूरा शोरूम अनलॉक नहीं हुआ है। तो आज हम लोग पूरा शोरूम को अनलॉक करेंगे और मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सके यहाँ का जितना सबसे जो दामी कार है इस गेम का, सुपर कार हो फिर लग्जरी कार हो जो भी हो, वो हम लोग खरीदेंगे पर्सनली खुद के लिए भी और सेल भी करेंगे यहाँ से। तो ये हमारा आज का टास्क है और इतना इजी भी नहीं है, किस लिए कि अभी तो जेब में रोकड़ा है नहीं, 781 डॉलर बोले या फिर रुपीस बोले उतना ही है फिलहाल। तो आते आते एक कार का ऑर्डर आया था तो उसको मैंने सेल कर दिया और अभी फ़िलहाल हमारे पास हो गया है 4381 डॉलर या फिर रुपीस। और एक कार का मतलब परचेसिंग का कोई बोला था लेकिन उसका पैसा बहुत कम दे रहा है, उतना तो हम लोग ख़रीदा हुआ प्राइस भी नहीं है, इतने में कैसे दे सकते हैं उसको। और ये अपना सिटी रहा, बहुत ही बढ़िया मौसम हुआ है और इसको नींद भी आने लगा यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो के मैं उठ चुका हूँ और चलते हैं फिर से अपने न्यू शोरूम में, लग्जरी शोरूम में, और कुछ कुछ शहर भी देखते चलो साथ में, इसलिए कि मौसम तो बहुत ही मस्त हुआ हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग गार्ड चचा, शोरूम को ओपन करते हैं। और मैंने फिर से नया नया कुछ कुछ कार ला के शोरूम में रख दिया है, इसलिए कि शोरूम ओपन कर दिया तो भाई इसको सेल भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लोग भी कार सेल कर करके अमीर हो पाएंगे और थोड़े देर में कस्टमर भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं आज हम लोग कितना कस्टमर तो आना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर भी कुछ कुछ कार ला के कुछ कुछ या एक ही बाकी है इसमें भी। सो वो लोग तो कार देख के चला गया, इसमें तो बहुत कम पैसेदार है, इसको रिजेक्ट करते हैं और इसको देख लेते हैं कि इसमें कितना दे रहा है। ये भी बहुत कम दे रहा है, इसको भी रिजेक्ट करते हैं। और कुछ नए कस्टमर्स आ चुके हैं, देखते हैं अभी जाता है कि नहीं। ऑर्डर तो दिया, देखते कितना रुपीस का है और ये फुल पेमेंट दे रहा है तो इसको अपना कार सेल करते हैं हम लोग, इसलिए कि ये पैसा अच्छा दे रहा है। अच्छा, और दोनों गाड़ी का भी ऑर्डर आ चुका है, इसका कितना है, ये भी फुल पेमेंट दे रहा है 7200, इसको भी कार सेल करते हैं। और ये भी फुल दे रहा है 7200 डॉलर। फिर से शोरूम खाली हो चुका है और तीनों का तीनों कार बिक चुका है। फिर से शोरूम में कार्स भरना स्टार्ट करते हैं। ऑटो सेल ऑफ करते हैं, इसका प्राइस सेट है। फ्रंट में घुमा कर रखते हैं, देख के पूरा लुक तगड़ा लगेगा एकदम। अब भी एकदम सेट है। इसका भी 32,000 ऑटो सेल ऑफ कर दे रहे हैं और इसका भी प्राइस सेट करते हैं। खरीदा हुआ प्राइस पड़ा है 27,000।
अभी ये दोनों जगह को अनलॉक करना है आज ही। गेम में तो मज़ा आने वाला, देख के बाहर से कैसा लग रहा है शोरूम, ऐसे अच्छा ही लग रहा है लेकिन पूरा क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है साफ, वो गेम का कुछ ऐसा ही है। और चाचा हाल चाल बढ़िया है ना? कोई आंटी जी गई थी शोरूम में ऑर्डर देने के लिए, देख लेते कितना रुपीज़ दे रही है ये। 28,000, सॉरी 23,000 दे रही है। हट नहीं चाहिए, नहीं बेचना है हमें कार। फिर से ऑर्डर आ चुका है तीनों कार का और इसका भी पूरा फुल पेमेंट दे रहा है, तो ये तो सेल करते हैं, पहले सेल करते हैं उसके बाद कार शोरूम ओपन करेंगे। मैं जाके घर पे सो गया था इसलिए शॉप बंद हो गया था, मैं सुबह उठ के आ चुका था और अभी शोरूम ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन जो कल का ऑर्डर था वो सब डिलीवर कर दे रहे हैं। इसका फिर से शोरूम खाली यार, कार तो पूरा धड़ाधड़ सेल हो रहा है एकदम। मैंने शोरूम भी ओपन कर दिया है और कार को फिर से भरना स्टार्ट करते हैं यार। 60,000 का, 60,000 का मैंने इस बार गाड़ी परचेज कर ली और मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं बचा है, सिर्फ 1,646 रुपीस बचा है और इससे प्रॉफिट होगा हमें 12,000। थोड़ा शहर भी घुमा करो यार आप लोग। और हाँ एक बात बोलना भूल गया कि मैं गेम खेलते 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 रहा था लेकिन इसका अपडेट आ गया था तो मैंने अपडेट भी दे दिया और देखो पहले से पूरा शहर ही चेंज हो चुका है। नेशनल बैंक मैंने फर्स्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा इस गेम का कि कुछ अलग साइट था, लेकिन अभी मेरा गैराज का, सॉरी गैराज बोल रहा हूँ, शोरूम का पूरा सामने ही आ चुका है। और शोरूम में भी कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं देख ले रहा हूँ, कुछ शोरूम में तो नहीं हुआ है लेकिन हाँ सड़क पूरा चेंज हो चुका है और आसपास का बिल्डिंग्स माहौल शॉप पूरा चेंज हो चुका है। कुछ शोरूम में अपग्रेड हुआ है कि नहीं देखते हैं, फिलहाल तो कुछ शोरूम में चेंजेस नहीं लग रहा है मुझे। शोरूम को ओपन करते हैं, इधर में भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ है लेकिन हाँ अपडेट देखो तो पूरा बढ़िया किया है कि मतलब पूरा लुक, पूरा मतलब शहर सिटी का लुक ही चेंज कर दिया है। भाई साहब ने ऑर्डर देके गए हैं, देखते हैं कितने थाउजेंड का, और फुल पेमेंट कर रहा है मतलब ये कार सेल हो गया। अच्छा कार सेल करने का तरीका ही पूरा चेंज कर दिया अभी फिलहाल, पहले ऐसे पोस्टर नहीं आता था लेकिन अभी पोस्टर आ रहा है। अबे गार्ड देख शोरूम में चोर आ चुका है। दौड़ा उसको, दौड़ा 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 तेरे रहते हुए अंदर में। लेकिन पहले अपग्रेड से पहले ना जो चोर आते थे वो बाहर से ही देख रहा था लेकिन अभी अंदर में चला आ जा रहा है। सेंसिटिविटी ठीक है, यहाँ पे कौन सा कार रखे है, 4,500 रखते हैं, इसमें प्रॉफिट होगा हमें 900 का। फाइव फोर डबल ज़ीरो ऑटो सेल हटा दे रहा है यार, मैं भूल ही गया था, मैं तो फिर से लॉस होता। शुरू शुरू में हम लोग क्या हुआ था कि मुझे पता नहीं था ऑटो सेल, और ऑटो सेल पर लगा जाता था जो कितना कम पैसा ही लेके चला जाता था और पूरा लॉस होता था। ये कार भी सेल 50,400 में सेल हुआ है कार। धीरे धीरे अपन भी अमीर हो रहे हैं यार, धीरे धीरे डॉलर बढ़ रहा है, कार का रेंज भी बढ़ रहा है।
इस बार कौन सा लेते हैं? 57,000 तो है, 42,000 का इस बार कार मैंने परचेज किया, जिसका प्राइसिंग प्राइस तो सेट हो गया। आंटी ने इसका ऑर्डर दिया था, इसको सेल कर दे रहे हैं, कोई लॉस नहीं है इसमें। कार्स तो धड़ाधड़ सेल हो रहा है यार, मैं कार सेल कर करके तो पूरा थक गया। अगर ये गेम आप लोग को चाहिए तो प्ले स्टोर में आप लोग जाके अगर कार सेल सिमेटर से सर्च करने से ना वो आ ही जाता है। और गेम का नाम तो मैंने फर्स्ट में ही बताया था आप लोगों को। इसका भी ऑर्डर आया था, ये भी सेल हो गया, अभी 77,000 हो चुका है। अभी चोर फिर से आ गया, इस बार मैं पीछा करता हूँ उसको, देखता हूँ सर इसका गेंग है ना क्या, जाता कहाँ पे। इसे फिलहाल फिलहाल बोल रहा हूँ, जैसे GTA 5 में क्या होता था कि ये लोग का गेंग रहता है ना, इसमें मैं पीछा करता हूँ देखता हूँ इन लोग का गेंग है कि नहीं, और इधर से देखते भी आता हूँ क्या क्या चेंजेस हुआ है। अभी एरो किसी से दिखा रहा है, घर चेंज कर दिया क्या, घर बना दिया ना इधर शोरूम में, कुछ पार्ट बनाया है अपग्रेड करके, अच्छा लग रहा है, कोई ऑफिस वूस बनाया है नहीं। अबे उधर से मतलब हाउस को हटा के और इधर में ला कर रख दिया पूरा शोरूम के पास में, ये तो अच्छा अपग्रेड था यार, पूरा शोरूम को पास में ला कर रख दिया घर को, अभी जाना आना इतना दूर नहीं पड़ता है, उठो डायरेक्टली शोरूम में आ जाओ। लेकिन वो घर देखने का चक्कर में यार शोरूम का वो चोर चला गया। रिजेक्ट कर 32,000 में यार कैसे बेचेंगे, अगला है ना क्या। सेवेंटी सेवन थाउजेंड हो चुका है और अभी हम लोग बाय कर रहे हैं 6,000 का एक गाड़ी। और हाँ मैं तो भूलना ही मतलब बोलना ही भूल गया कि इधर का जो साइड का एक अपग्रेड था पार्ट गैराज का, जैसा उधर में भी था, उधर में अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया यार, नहीं तो आप लोगों को दिखाया था। अपग्रेड कर दिया और उधर से घूम के भी आ गया, लेकिन ये जो साइड में दिखाई दे रहा है ना वही, उसको मैंने अनलॉक कर दिया, पहले लॉक था उधर में जाने से सकते थे, 50,000 रुपीज़ चाहिए था, मैंने उसे अनलॉक कर दिया। आंटी हंस के जा रही है, क्या हुआ कार पसंद नहीं है ना क्या, आंटी को कार पसंद आया। और शोरूम थोड़ा सॉरी शोरूम बोल रहा हूँ, शहर थोड़ा घूम लो, पूरा अपग्रेड तो हुआ है, बढ़िया बढ़िया एकदम, अभी शहर और मज़ा आ रहा है देख के यार, नया नया व्हीकल भी है, पहले तो पूरा खाली खाली लग रहा है, लेकिन अभी पूरा कार वगैरह भर्ती भर्ती लग रहा है, लोग भी ज़्यादा दिख रहे हैं, मॉल वगैरह नया नया खुला है, क्या बिल्डिंग है यार। शोरूम थोड़ा सा और अगर बड़ा होता ना तो और मज़ा आता, अभी अपग्रेड तो करना बाकी है, यही जो बोल रहा था मैंने अपग्रेड किया है इस साइड वाला। यह साइड वाला जो है ना इसी को अपग्रेड करके मैंने बना दिया है। और देखो मैंने आप लोगों को बोला ही भूल गया कि मैं कार सेल कर करके 2,00,000 के पास ही पहुंच गया मैंने, अभी तो 19,034 सॉरी 1,93,431 रुपीस हो चुके हैं फिलहाल, 2,00,000 के पास पहुंचने वाला हूं जल्दी, हाई अमीर हो रहा है। और मैंने थोड़ा पार्ट कट कर दिया था, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाते बार बार सिर्फ इसी पार्ट देख देख के। और मैंने 1,50,000 का तो सिर्फ एक कार ही बाय कर दिया इस बार, अभी तक का सबसे दामी कार मैंने बाय किया है, लेकिन जो सबसे दामी कार हो और उसको भी बाय करने का मतलब फिलहाल इतना हैसियत नहीं हुआ है।
उसको भी बाय करेंगे। शोरूम ओपन कर दे भाई, पहले भर लेते हैं पूरा शोरूम को। शोरूम को तो पूरा भर दिया हूँ और शोरूम को ओपन भी कर दिया हूँ मैं। और ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गया है। कितना गाड़ी का ऑर्डर आ गया एक बार में? 1 2 दो गाड़ी का ऑर्डर आ चुका है। इसका देखते हैं, इसे सेल करते हैं इसलिए कि अच्छा प्राइस दे रहा था पूरा। इसको भी सेल करते भी प्राइस अच्छा दे रहा था, उसका भी ऑर्डर आ गया। इसको सेल कर या फिर नहीं, रिजेक्ट करते हैं क्या इसको, इसलिए कि पैसा कम दे रहा है। रिजेक्ट करो इसको। फ्रेंड्स फिलहाल मेरे पास कार सेल कर करके हो गया है 10,17,621 रुपीस। और जो इस गेम का जो सबसे हाई प्राइस का जो गाड़ी है ना, मैं उसे बाय कर लिया फिलहाल। यही है वो गाड़ी कार जो सबसे प्राइस का है, जो नीचे मैं आप लोगों को दिखाया जा रहा है 4 लाख का। और मैंने दो दो बाय कर लिया एक ही कार को, अभी तक का सबसे इस गेम का सबसे हाई प्राइस वाला कार यही है। तो फर्स्ट टास्क तो अपना कंप्लीट हो चुका है, चैलेंज जो मैंने लिया था कि सबसे हाई प्राइस का गाड़ी ख़रीदना है। शोरूम को ओपन करते हैं और चलते हैं ऊपर इसको अनलॉक करने के लिए। तो 1 2 3 और इसको भी अनलॉक कर दिया हम लोगों ने, कंग्रेचुलेशन। सेकंड टास्क भी अपना जो मैंने चैलेंज लिया था वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं ऊपर, मैं ऊपर का एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ। इधर भी जा सकते हैं क्या? नहीं, मैं आप लोग को ऊपर का भी एक बार नज़ारा दिखा दे रहा हूँ कैसा है कैसा नहीं। देख के तो काफ़ी लग्जरी लग रहा है। वाह, फ़ोटो तगड़ा तगड़ा लगा कर रखा है इसमें, क्या मस्त। इसमें आराम से 7-8 कार तो आराम से आ जाएगा यार। इसमें कार बेसिस लगाते हैं और इसमें भी कार रखते हैं, लग्जरी कार रखते हैं इसमें, थोड़ा दामी और सुपर्स कार। और बेसिस भी मैं सबसे हाई प्राइस का ही खरीद रहा हूँ, इसलिए कभी आपके अपने पास पूरा रोकड़ा हो चुका है, पैसे का सोचने का दरकार नहीं है। ये तीसरा रहा, टेस्ट कर, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा। और लगाते हैं, ये रहा पांचवा और एक लगाते हैं और ये रहा छठा। अभी अपन भी एकदम अमीर हो चुके हैं, तो पैसे का सोचने का दरकार नहीं है और सब में कार्स भर के रख देते हैं एकदम। देखो लग्जरी कार में से देखते हैं कौन सा लेते हैं, सबसे हाई प्राइस का लग्जरी कार का। इसमें कौन सा डाले? इसमें भी सेम वही कार, 72,000 डॉलर प्राइस सेट है। और ये सब में फटाफट कार भर के खत्म करते हैं। तो मैंने सब में तो नहीं, लेकिन हाँ 4-5 कार भर दिया है। और नीचे आके देखा तो यार ऑर्डर भी आ चुका था बहुत सारा, क्या सभी कार का ऑर्डर आ चुका है। तो चलना सीधा से
इसको मैंने सेल कर दिया, सब कार को मैंने सेल कर दिया और फिर से ला के भर दिया था, और फिर से ऑर्डर आ चुका है। और मैंने इस बार बाइक या गैराज के लिए देखते हैं, मतलब इस बार मैंने सेकेंड हैंड कार खरीदा है और इसको रिपेयर करके हम लोग बेचेंगे और देखते हैं इसको कितने हम लोग को कपड़ा मिलता है, और इसके बाद अपने खुद के पर्सनल के लिए भी अपने एक कार खरीदेंगे। अभी पेंटिंग हो रहा है तो फटाफट पेंटिंग इसे कम्प्लीट करते हैं, और इसमें गेम ने थोड़ा मुझे इशू दिखा, ये जो गैराज का जो काम है इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, काम करते वक्त गाड़ी के साथ में ठीक से हो नहीं रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम है जैसे कि चारों ओर से हम लोग पेंटिंग इसको मार नहीं सकते हैं, जहाँ पे एक ही जगह पे मुझे रह रहा है। ये लेजर है शायद स्पेसिस वगैरह हटा देगा, इसको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट और खुद के लिए एक कार खरीदते हैं। ये वॉश करते हैं, मैंने कार का भी रिपेयर नहीं किया ना यार, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मतलब पहले क्या था, पहले तो वॉश करते हैं उसके बाद पेंट मारते हैं, मैंने पहले पेंट किया उसके बाद वॉश किया। सो फ्रेंड्स, मैं बोला था कि खुद के लिए कार खरीदूंगा, तो उसको तो मैंने रिपेयर करके सेल कर दिया, और ये रहा इस गेम का सबसे हाई प्राइस का कार जो मैंने खरीद लिया खुद के लिए, और इसे पूरा शहर घूमेंगे। अभी एक बार शहर के राउंड मार के आते हैं, देख लीजिए आप लोग कि अपना सिटी कैसा है। पूरा फुल अमीरों के बीच में रह रहे हैं हम लोग भी। गाड़ी का साउंड ऐसे इतना इसमें तगड़ा तो दिया नहीं है, लेकिन ब्रेक लगाने से ड्रिफ्ट का आवाज़ तगड़ा आता है, ड्रिफ्ट लगे या फिर ना लेकिन आवाज़ तगड़ा आता है, या फिर एक्सीडेंट होने से भी इसका आवाज़ बहुत ज़ोर से आता है। ब्रेक तगड़ा दिया है भाई गेम में, कंट्रोल सी बढ़िया है, और शहर देखो क्या मज़ा लग रहा है शहर, एकदम मौसम पूरा साफ। अभी इसको अपने गैराज के सामने लेके आ चुका हूँ और इसको यहाँ पे पार्क करते हैं हम लोग, पूरा शांत से खड़ा रहेगा, इतना आवाज़ है थोड़ा तो धीरे से लेकिन आवाज़ कितना आ रहा है। इसको अपने शोरूम के सामने पार्क करते हैं और पूरा शहर को दिखाएंगे कि अपने पास भी भाई लग्जरी कार है, देखो पूरा भोकाल दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये था हम लोग का सेकेंड पार्ट, और अगर चाहिए आप लोग को इसका पार्ट तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।